आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी एंड्रॉयड फोन को, जब वो लॉस्ट हो जाए आपसे, खो जाए आपसे, चोरी हो जाए, या आप कहीं छोड़ दीजिए और भूल जाइए और नहीं मिल रहा हो, तो उसको कैसे आप ट्रैक करिए। तो उसके लिए आपको बहुत से प्रिकॉशन भी लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप फाइंड माई डिवाइस को ऑन रखिए। फाइंड माई डिवाइस को ऑन रखने के लिए सेटिंग, एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा और प्राइवेसी में जाके फाइंड माई डिवाइस को ऑन करना पड़ेगा। अगर आपका डिवाइस घर ही में नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको google.com android.find पे जाना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे जाइएगा फाइंड माई डिवाइस पे, तो यहाँ पर आपका देखिए, जब यहाँ पे जाइएगा तो प्ले साउंड करिएगा। तो जब प्ले साउंड करिएगा आप, आपके फोन को लोकेट करके साउंड बजाएगा और आप अपना फोन को घड़ी में फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पर और नीचे जाते हैं आपको, तो आपको फैसिलिटी मिलेगी फाइंड सिक्योर डिवाइस। तो सिक्योर डिवाइस में क्या होगा, आपका लॉक डिवाइस एंड साइन आउट ऑफ योर गूगल। इसमें आपको अपने डिवाइस को लॉक करना होगा और गूगल से बाहर निकलना पड़ेगा अकाउंट का। यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले अ मैसेज और फोन नंबर ऑन द लॉक स्क्रीन। यू कैन स्टिल लोकेट द डिवाइस आफ्टर इट्स लॉक्ड। और जब आप लॉक कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन आपको आप उसको लोकेट नहीं कर पाइएगा, आप तब भी उसको लोकेट कर पाइएगा। और मान लीजिए आपका फ़ोन नहीं मिलता है, तो आप अपने डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। सो इरेज ऑल कॉन्टेंट फ्रॉम द डिवाइस आफ्टर यू योर डिवाइस हैज़ बीन इरेज्ड, यू कांट लोकेट इट। लेकिन आप अगर उसको इरेज कर देते हैं, तो अपने डिवाइस को फिर आप लोकेट नहीं कर पाइएगा। तो जब बहुत श्योर हो जाइए कि अब आपका डिवाइस नहीं मिलेगा, तभी आप इसको करिएगा। The lost phone get notification on map, you will get information about where the phone is। जो आपको अभी हमने दिखाया कि जब उसमें जो फ़ोन है वो कहाँ पर है आपका, वो दिखा देगा और आप उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकिएगा। स्टेप टू सेटअप फाइंड माई डिवाइस ऑन एंड्रॉयड। और अगर आपने फाइंड माई डिवाइस ऑन एंड्रॉयड को सेटअप नहीं किया है, तो आप फाइंड माई डिवाइस को सेटअप कर लीजिए और प्ले साउंड करके घर में फ़ोन को फाइंड आउट कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं डिवाइस को, जिससे कि आपका डेटा कोई गलत हाथ में ना पड़े, क्योंकि उसमें आपका सिम कार्ड का डिटेल रहता है, आपका IMEI का डिटेल रहता है, उसमें बैंक के डिटेल रहते हैं, उसमें बहुत से ऐसे डिटेल होते हैं, पर्सनल डिटेल होते हैं, जो वहाँ पर डिवाइस में प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। टेक अ हेल्प ऑफ पुलिस गेट कंप्लेन नंबर ऑफ योर फोन। अभी अगर आपको अपने फ़ोन का कंप्लेन लिखाना है, तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा और कंप्लेन नंबर लेना पड़ेगा। और जब कंप्लेन नंबर ले लीजिएगा, तो आप CER गवर्नमेंट साइट है, उस पर जाना पड़ेगा आपको। उस पर जाकर आप तीन चीज़ें कर सकते हैं, आप ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं फ़ोन को, और चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। अगर आपने ब्लॉक किया है, तो उसका रिक्वेस्ट स्टेटस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे जाते हैं हम लोग। CER गवर्नमेंट इन रिक्वेस्ट साइट पर जाएंगे। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट साइट फॉर ब्लॉकिंग और लॉस्ट स्टोलन मोबाइल। तो जब वहाँ पे आप जाइएगा, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, 15 डिजिट का IMEI नंबर देना पड़ेगा। अब IMEI नंबर जो होता है, हर किसी को याद नहीं होता या पता नहीं होता, तो अब उसे पता कैसे करिएगा। और डिवाइस का ब्रांड भरना पड़ेगा, डिवाइस का मॉडल भरना पड़ेगा। यहाँ पे आके फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिए
और उसको कलेक्ट कर लीजिए। कौन से प्लेस से खोया है, सेलेक्ट स्टेट, कौन सा स्टेट है, किस डेट को खोया है, और डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेन नंबर देना पड़ेगा, अपलोड पुलिस कंप्लेन फाइल, चूज फाइल करना पड़ेगा, और जो उन्होंने कंप्लेन का फॉर्म दिया होगा कंप्लेन नंबर का पुलिस के थ्रू, और पुलिस का स्टेशन देना पड़ेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पर अपना एड्रेस देना पड़ेगा, ओनर का नेम देना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा, और ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें इसमें आपको देनी पड़ेगी, जिसको फॉर्म खोलकर आप देख लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आप कलेक्ट करिए, तब इस फॉर्म को भरिए। जब इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा, तब आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा। इसको पोस्ट कर देने के बाद आप इसी साइट पे जब जाइएगा ceir.gov.in, ये आ गया, होम पेज पे हम लोग जा, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर साइट है, जहां पर आप अपने फोन का कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप तीन चीज कर सकते हैं, ब्लॉक कर दे सकते हैं स्टोलन मोबाइल का, अनब्लॉक कर सकते हैं, और चेक रिक्वेस्ट स्टेटस कर सकते हैं, जो अभी आपको हमने बताया। और नो योर मोबाइल, अगर आपको IMEI नंबर नहीं पता है, थ्रू KYM यू कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ योर मोबाइल डिवाइस इवन बिफोर बाई इट। IMEI इज रिटन ऑन मोबाइल पैकेजिंग बॉक्स। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको, अगर आपने अपने बॉक्स को प्रॉपर ढंग से रख रखा होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। इट कुड बी फाउंड ऑन मोबाइल बिल, तो मोबाइल का बिल है तो उस पर भी मिल जाएगा, और इनवॉइस नंबर मिल जाएगा। फ्रॉम योर मोबाइल यू कैन चेक द IMEI नंबर बाई डायलिंग, या अगर आप जब खोया नहीं है तभी आप *#06# अगर करते हैं टाइप और रिंग करते हैं तो आपको IMEI नंबर मिल जाएगा, जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखेगा। इफ द स्टेटस ऑफ मोबाइल इज शोन एज ब्लैक लिस्टेड डुप्लीकेट और ऑलरेडी इन यूज फाइल, प्लीज अवॉइड बाइंग द मोबाइल। KYM कुड बी यूज थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड। और अगर ब्लैंक स्क्रीन आती दैट मीन्स कि वो स्टोलन मोबाइल है या डुप्लीकेट है या सही नहीं है मोबाइल, तो उस मोबाइल को मत लीजिए। KYM 15 डिजिट IMEI नंबर टाइप कीजिए फ्रॉम योर मोबाइल एंड सेंड द SMS टू 14422। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल का IMEI नंबर टाइप करके 14422 को SMS कर दीजिए। डाउनलोड द KYM ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड और फ्रॉम ऐप स्टोर फॉर iOS। अगर iOS है तो उसके लिए आपको डाउनलोड KYM ऐप करना पड़ेगा, जो आपकी हेल्प करेगा। तो यूज़ द वेब पोर्टल क्लिक हियर, और अगर वेब पोर्टल को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने फ़ोन की जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। तो ऑलरेडी यूज फोन को आपको कोई बेच रहा है तो भी पता लग जाएगा, डुप्लीकेट है, ब्लैक लिस्टेड है तो भी पता लग जाएगा। तो फोन लेने से पहले ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग की आगे क्या करेंगे। अब IMEI नंबर मिल गया हम लोगों को, तो IMEI नंबर क्यों लेना जरूरी है। इफ यू हैव टेकन अ डिवाइस बैकअप द इजली, अब देखिए IMEI नंबर केवल **60# से ही नहीं मिलता, आप google.com डैशबोर्ड पर जाइएगा तो भी आपका IMEI नंबर मिल जाएगा। और IMEI नंबर को सेफ रखिए, नहीं तो आपका फोन हैक भी हो सकता है, और अगर आपने बैकअप लिया तब भी आपको आपके फोन का डिटेल इजीली मिल जाएगा। जब आप अपने गूगल ड्राइव में जाइएगा तो वहाँ पर जहाँ पे बैकअप बना है वहाँ पे भी आपका IMEI नंबर मिल जाएगा।
आईएमआई नंबर क्यों जरूरी होता है? अगर जब पुलिस के पास जाते हैं तो वो आपसे सीधे आईएमआई नंबर ही पूछेगा टू गेट फोन फीचर। वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसको फोन का फीचर पता करना होता है कि क्या क्या फीचर है फोन का। हेल्प इन सर्वेलेंस विथ हेल्प ऑफ टावर्स टू गेट राइट पोजिशन। और वो लोग 3 टावर यूज करके आपके फोन को सर्वेलेंस पे रख देते हैं, और जितने भी कंपनीज हैं उनको जो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर फोन किसी जगह पर चल रहा हो तो उसको रिपोर्ट करिए, जिससे कि राइट पोजीशन आपके फोन की पता लग सके कि कहाँ पे आदमी उसको यूज कर रहा है। लेकिन अगर वो आदमी केवल कुछ समय के लिए फोन को यूज कर रहा हो फिर बंद कर दे रहा है और फिर दूसरी जगह जाके फिर यूज कर रहा है और बंद कर दे रहा है या सिम को फेंक देता है, तब आपका फोन ट्रैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोन ही बंद हो गया या सिम ही हटा दिया उसने तो आप उसको नहीं पकड़ पाइए, क्योंकि उसकी लोकेशन अब गूगल नहीं फाइंड आउट कर पाएगा। एक्स्ट्रा टिप है कि आप मल्टीपल स्क्रीन लॉक लगाइए मैकेनिज्म में एंड्रॉयड में, और अपने जहाँ से उठिए अपने बैग को अपने पॉकेट को चेक करिए जिससे कि आपका फोन छूट ना जाए, और आई एम ई आई नंबर को बहुत ही प्रोटेक्टेड रखिए क्योंकि इसके थ्रू आपका फोन चोरी भी हो सकता है। तो इस तरह से आप फोन को अपने ट्रैक कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं अनब्लॉक कर सकते हैं, और जब ये हो गया कि अब मिलेगा नहीं तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं उसके डेटा को, जिससे कि आपके डेटा का कोई मिसयूज ना करे, क्योंकि अगर आप सोचते हैं चलो हो गया नया फोन ले लेंगे तो आपके फोन पुराने फोन का गलत मिसयूज वो आदमी करेगा जो उसको चुरा के ले गया है या जिसको मिल गया है आपके खोने पे फोन। तो हमेशा अपने फोन का बैकअप रखिए और उसको फाइंड माय डिवाइस को ऑन रखिए और अपने फोन को सेफ रखिए। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। थैंक यू।